जी सो गया है माशाल्लाह। इसको तो देख के मेरा भी सुन कर रहे हैं। आप दिया को देखो, मैं नाश्ता बनाऊं आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ खुश रखे, हंसता बसता रखे। देश परदेश से प्यारे बहन भैया हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 का टाइम है। आपको लग रहा होगा कि धूप कहाँ तक पहुँच गई है, ऐसा ही है, 7:30 का टाइम है। और माशाल्लाह सूरज जो है वो ऊपर चढ़ चुका है और मोहम्मद सईद भी उठ चुका है माशाल्लाह। अहमद सईद भी उठ गया। अहमद तो माशाल्लाह नाश्ते के लिए सामान भी ले आया। ये देखें, ये मोहम्मद के लिए बिस्किट लेके आया है, दूध लेकर आया है और कुछ पापे वगैरह लेकर आया है, तो वो भी आपको दिखाते हैं सामान वगैरह। और फातिमा जो है वो उठ नहीं रही, सोई हुई है। मैं उसको कह रही हूँ उठ जाओ फातिमा जानी, अब आप भी उठ जाओ बेटा। बहुत गलत बात है। चलो शराफत से उठ जाओ, शराफत से। अहमद बुरी बात, आप भी गंदे बच्चे पाओ। आ जाओ फातिमा, जल्दी आओ बेटा, नाश्ता करो। किचन की सफाई कर लेते हैं ना, उसके बाद में है हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। अहमद चौकी ले आओ जानी, कब्रे से आपने बुलाया और मैं आ गया। शाबाश मेरा बेटा, ठीक है। अब सोने का टाइम नहीं है, एक दफा बिस्तर से निकल आओ ना, तो दोबारा बिस्तर में नहीं घुसते। बहना उठी आपकी? सॉरी। बहना को उठाओ, जाओ बहना को उठाओ, चलो चलो बहना को उठा के आओ। जी हम आटा गूंद रहे हैं और काफ़ी बहन भी कहते हैं रात की रूटीन शेयर करें। जब आप रात को सारे बच्चे कमरे में बैठे होते हैं वो सारी रूटीन शेयर करें, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन हमने ना चार्जिंग वाली लाइटें ले लेनी है, उसके बाद हम कर सकते हैं। अम्मा तो बिल्कुल अंधेरा होता है और मोबाइल में पता ही नहीं चलता ना। अम्मा मैंने उसको उठाया, उसने मुझे मारा है। अम्मा क्यों मार रही हो भाई को? तो अहमद पानी दो, ले तो है मग्गा, ले आओ ना मग्गा। तो इंशाल्लाह ताला वो रूटीन भी सारी शेयर करेंगे आपके साथ। अब सर्दियां आ रही हैं, धुंध में उठा करेंगे, रोटी बनाया करेंगे बच्चों की, सारी रूटीन आपके साथ शेयर किया करेंगे। कुछ बहन भाई कहते हैं कि आप कैसी यहाँ पर रह रही हैं, ये है वो है। मैंने कहा कि अल्लाह के सपुर्द मेरे बच्चे में सारी दुनिया रह रही है। वो भी लोग हैं जो इतने दूर दूर रेगिस्तान में रह रहे होते हैं जहाँ पर पानी तक भी नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है हमारी जगह तो बेहतर है, अल्लाह ने काफ़ी आसानियाँ पैदा की हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। अहमद जल्दी आ जाओ, यहाँ से दो, यहाँ से। अच्छा किया बेटा, शाबाश। उठ जाओ जानी, मुँह हाथ वगैरह धो लो, नाश्ता कर लो, उठ जाओ। 8 बजने वाले हैं अब तो। नाश्ता माशाल्लाह बन चुका है, मैंने पराठे वगैरह बना लिए। अब बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं कुछ कर रहे हैं। और दूसरा मैंने चाय एंड में बनाई है, क्योंकि फिर चाय जो है ना वो गरम गरम भी रह जाएगी। और अगर मैं पहले चाय बना लेती ना, ये पापे और चाय पहले खा लेते, फिर ये रोटी ना खाते, पराठे जो ना ऐसे ही रह जाते। इसलिए मैंने इनको पहले पराठे देने हैं, बाद में मैंने इनको चाय पकड़ानी है। आओ ये ले जाओ फातिमा। अभी आगे हमारे साथ नाश्ता करें, नाश्ता तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी अब नाश्ता कर रही हूँ, मुझे भी गजब की भूख लगी पड़ी थी। आए आप भी पराठे और चने खाएं।
हुसैन ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, हम सब तो नाश्ता करने में मसरूफ हैं। मोहम्मद को तो हम पूछ ही नहीं रहे आज नाश्ते का है। मोहम्मद क्या कर रहे हो जानी? प्यारे बहन भाई, हमारा जो है नाश्ता वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अब घर के काम काज शुरू करते हैं। फातिमा लेटी पड़ी है, रात से फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो देखें किस तरह से लेटी पड़ी है। फातिमा अंदर जाके सो जाओ बिस्तर में, अगर नींद आ रही है चलो धूप लगवा लो। तो अब हम ना घर का काम कर रहे हैं, सारा कचरा कुचरा जो है वो उठाते हैं समेटते हैं, सारा दिन छोटे छोटे काम लगे रहते हैं। बस बस ज़्यादा पानी मत फेंको अहमद, बस ज़्यादा पानी नहीं फेंको। तो मोहम्मद जी सो गए हैं माशाल्लाह, बहुत रो रहा था, बड़ा तंग कर रहा था। अहमद अब क्या का ख्याल करना, मैं बर्तन वगैरह धो दूँ जाकर। प्यारे दोस्तों, कुछ देर मैं भी सो गई थी, मोहम्मद जैसे सोया ना तो साथ मैं भी सो गई थोड़ी देर के लिए ना। अहमद भी यहाँ लेटा रहा और उसके बाद अब मैंने सोचा उठ जाऊँ, खाना वगैरह दोपहर का बनाना है। अभी तो नाश्ता कर लिया, घंटा डेढ़ हो गया है, फिर वही दोपहर का खाना भी आ जाएगा क्योंकि खाने के बगैर भी बच्चे नहीं बैठ सकते। खा दो, ये देखें इस दराज में हम मसाले वगैरह रख लेते हैं अपने सारे ना, और यहाँ प्याज वगैरह रखे हुए हैं, और सोच रही हूँ सब्जी वगैरह मंगवा लें और टाइम से खाना वगैरह बना लें ना। घर के काम काज भी शुरू करते हैं। मोहम्मद जैसे सोया ना मुझे ऐसी थकावट होने लगी, तो मैंने सोचा कुछ देर ना सो ही लूँ। जैसे फातिमा भी सो रही है और अहमद भी लेटा हुआ, तो मेरे को भी सुस्ती सी चढ़ गई। आज फातिमा को बड़ी गहरी नींद आई हुई है, फातिमा तो अभी तक सोई हुई है। मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। बर्तन भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, समझ नहीं आती कहाँ से निकल आते हैं। यहाँ पर छांव बड़ी प्यारी आ जाती है इन दरख्तों की ना, हम यहाँ पर बैठे रहते हैं। आपको पता है सर्दियों में भी धूप फिर ना तंग करती है, अगर ज़्यादा देर धूप में बैठ जाओ ना, तो फिर हम यहाँ छांव में बैठ जाते हैं बच्चों को लेकर। बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बड़ा सुकून सा आता है, यकीन करें बड़ा पुरसकून और ऐसे खुशगवार यहाँ का माहौल है सारा, बड़ा मज़ा आ जाता है। तो दिल ही नहीं करता शहर की तरफ जाने का, शहर में घर लेने का। एक तो वहाँ इतने बिल आ जाते हैं जो हमारी पहुँच से ही बाहर होते हैं, तो बस यहीं पर ही हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ना। यहाँ पर जानवर सारा दिन फिरते रहते हैं, गायें भैंसे चली जाती हैं तो बकरियाँ आ जाती हैं, बकरियाँ चली जाए तो कुत्ते आ जाते हैं, इसी तरह ना भेड़ बकरियाँ ऊँट यहाँ पर जानवर बड़े आते हैं। वो देखिए अभी भी जानवर फिर रहे हैं सारे। बस प्यारे दोस्तों दुआ करें हम जल्दी से जल्दी यहाँ की ना चार दीवारी और दरवाजे जो हैं वो मुकम्मल कर लें, बहुत बुरा लगता है यकीन करें, अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो ना बस दुआ करें अल्लाह की तौफीक दे दे कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर बेशक कानों वाली मजबूत करके दीवार देते दे, लेकिन चार दीवारी दे दें बस। रहना तो मैं शुरू हो गई हूँ क्योंकि मजबूरी थी, मेरी अम्मी के घर नहीं रहा जा सकता था, वहाँ भाभी भाई फिर उनके रिश्तेदार आए गए, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे ना मेरे बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, महसूस करते थे ना हर बात को कि मम्मा हम कब तक इस तरह नानी के घर में रहेंगे ना, हम अपने घर में रहें चाहे जैसा भी है। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा छत डल गई है ना कमरे की, बस अब चलो वहाँ दीवारें हैं नहीं हैं, जो मर्जी बस आप हमें लेकर। तो फिर मैं यही आ रही बच्चों को लेकर, क्या करूँ बना।
बैंगन ही दे दो, लेकिन आप अंदर ना जाना, यहाँ खड़े होके ना आराम से उनके आगे फेंक दो, वो खा लेंगे। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, शाबाश, अब ये खा लेंगी, देखना किस तरह से खाएंगी। ब्लैक वाली मम्मा मुझे ज्यादा खतरनाक लगती है। शलका मैंने धो लिया है सारा, ऊपर भी नीचे भी, और बर्तन भी माशाल्लाह हमारे धुल गए हैं। ये देखिए जी, अब हम समेट के ना बर्तन अंदर ले चलते हैं कमरे में। वीडियो तो लंबी हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि घर के काम है, ख़त्म होने वाले हैं नहीं। तो अभी मैंने पता है क्या करना है, कमरे की झाड़ू लगानी है, सारी साफ सफाई करनी है, और दूसरा मैंने सहन की भी झाड़ू लगानी है। अभी मैंने सिर्फ आपके सामने किचन किया है नाश्ते के बाद, बर्तन धोए, वो खुरा वगैरह नलका सारा धोया है, बर्तन आके रखे हैं, और थोड़े बहुत और काम थे जो बीच बीच में होते रहे। हमने बीच में नींद भी अपनी पूरी कर ली, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम हो चुका है। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगर पूरी शाम तक आपको रूटीन दिखाई मैंने तो वीडियो जो है कम से कम आधे घंटे या पौने घंटे की बन जाएगी, इसलिए अब आपसे इजाज़त चाहते हैं यहीं तक। अब दोपहर का खाना बनाएंगे, शाम का रूटीन होगी, दोपहर की होगी, हो सकता है वो भी आपके साथ शेयर करें, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह करेंगे। हमेशा आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा। तो जी अहमद अब कह रहा है मुझे नींद आ रही है, पहले ये जनाब गेम खेलता रहा है थोड़ी देर, अभी इसको थकावट हो गई है पता नहीं क्या, अब ये भी सो जाएगा, तो दोपहर का टाइम हो रहा है, फिर उठ के मेरा बेटा सब्जी लेके आएगा। तो अब जी आपसे इजाजत चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि प्यारे बहन भाई हमारे वीडियो पर जो नए आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें, और दूसरा जो हमारे सब्सक्राइबर है वो बहुत बहुत अच्छे, अल्लाह उनको उनको सबको सलामत रखे। और प्यारे बहन भाई हो मोहम्मद अंदर आ जाओ। तो जी चैनल को लाइक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखना और बहुत बहुत खुश रहना प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह हाफिज़।